ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो, पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। बाबा कहते हैं कि 2500 साल रावण तुमको नचाता रहा है, विकर्म कराता रहा है, अब तुमको रावण की मत के ऊपर नहीं चलना है, कोई विकर्म नहीं करना है। अब तुम क्या करो, अब तुम श्रीमत पर चलो और श्रीमत से जो तुमको रास्ता मिला है वो तुम औरों को भी दिखाओ, तो वो जो पुण्य करेंगे उससे सुकर्म करने की शक्ति आएगी। प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे, कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? सेंसिबल बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। परमार्थ पहले, स्वार्थ से परमार्थ पहले। यदि हम परमार्थ पर अटेंशन देते हैं तो हमारा स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाता है। ये दुनिया में भी कहावत है, आप औरों की सेवा करते हैं तो उसमें आपकी सेवा समाई हुई है। गीत है आज का, तकदीर जगा कर आई हूँ। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते हैं। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानता। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म। शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है, गाया हुआ भी है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसको प्रेरणा करते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। याद तो करते ही हैं पतित पावन बाप को। ये बाबा बता रहे कि मुझे आना पड़ता है, आना पड़ता है और मुझे आकर के इस धरती पर तुम्हें ज्ञान सुनाना पड़ता है। प्रेरणा से तो मैं ऊपर से कर सकता हूँ, लेकिन आप बच्चे उसको कैसे समझेंगे कि ईश्वरीय प्रेरणा है? और पढ़ाई जो होती है वो सम्मुख होती है, टीचर के साथ बैठ कर के होती है। बाबा ने कहा, बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। ये योग अग्नि है जिससे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी विकर्म नहीं करो, विकर्म कराने वाला है रावण, उनकी मत पर नहीं चलो, कोई को दुख न दो। बाप आया है पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं तुम्हारा भी यही धंधा है, रात दिन यही चिंतन करो। हम पतितों को पावन बनने का रास्ता कैसे बताएं? रास्ता बहुत सहज है, योग बल से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। ये है अविनाशी सर्जन की दवाई। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने बता दिया कि और कोई साधन नहीं है, योग बल ही है जिससे कि आप अपने विकर्मों का नाश कर सकते हैं, और कोई युक्ति नहीं है। बाबा ने कहा कि कहते भी हैं पतित पावन लिबरेटर आओ। लिबरेट किससे करना है? दुख से, रावण राज से। रावण को अंग्रेजी में ईविल, शैतान कहते हैं। तो कहते हैं शैतान राज से मुक्त कर घर ले चलो, हमारा गाइड बन साथ ले चलो, जैसे कोई जेल से छुड़ाए बहुत प्यार से घर में ले जाते हैं। तो बेहद का बाप सब बच्चों को खातिरी देते हैं, तुमको हम जेल से छुड़ाने आया हूँ। फिर बाबा ने कहा,
बाप कहते हैं अब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। वो है हद का वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य। ये अंडरस्टैंडिंग से वैराग्य की वृत्ति जागृत होती है, जब आत्मा स्वीकार करती है कि सच में ये दुनिया जो है अभी ज़्यादा समय रहने वाली नहीं है, तब आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। वो जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, बाबा ने ये भी कहा कि परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है, बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि सबका मूल माखन है गॉडली नॉलेज। वो जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये तो तुम जानते हो सत्युगी नई दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी वो वहाँ चलेगी। तो इसे थोड़ा स्पष्ट करें, जो बाबा ने कहा कि परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है, बैरिस्ट्री की भी इंजीनियरिंग की भी, तो मूल माखन गॉडली नॉलेज है। ऐसा है कि गॉडली नॉलेज बाबा देते हैं कि कैसे तुमको किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को तोड़ना है, किसको निकालना है, किसको रखना है, ये सब बातें। तो आजकल हम लोग री इंजीनियरिंग करते हैं, कई कॉन्सेप्ट्स रखते हैं कि सोल की इंजीनियरिंग आदि आदि, कर्मों की इंजीनियरिंग आदि। मेडिकल में करते हैं तो वही शरीर शरीर के लिए, हेल्थ के लिए पढ़ते हैं मेडिकल मेडिसिन, लेकिन बाबा हमको आत्मा का बताते हैं। तो वास्तव में ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज शिव बाबा है। वो ज्यों ज्यों नॉलेज बढ़ती जाती है, विकसित होती जाती होती जाती होती जाती, उससे फिर ये जो है जनरल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज ये सब भी निकलने शुरू हो जाती है। बाबा ने कहा कि राज्यों की तपस्या करते ही यहाँ है, सूक्ष्म वतन में नहीं। फिर बाबा ने कहा ये तो सबसे बड़ा यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं। ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ, सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। फिर बाबा ने कहा कि दिल्ली में मंडप बनाए, मेला किया, ये भी अच्छा है। तो आप इसे बताइएगा, क्योंकि ये साकार बाबा के समय में कौन सा मेला हुआ? ऐसा है कि उस समय मेला शब्द तो नहीं था, लेकिन बड़ी प्रदर्शनियाँ थी। तो वो प्रदर्शनियाँ हुई हमारी पंचकुया में हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई, जहाँ एमपीज रहते हैं पंचकुया, बाबा के समय, बाबा के टाइम। और पंचकुया में तो बाबा खुद देखने के लिए आए थे, उसमें हम भी गए थे। कवि जी का झाड़ था बहुत बड़ा, उसमें कैसे पूरा उसमें ज्ञान था, सब चीज़ें थी। और ऐसे ही फिर और भी था, झांकियां बनाते थे तो वो सब देखते, और फिर ओपन ग्राउंड में भी करते थे, LIC ग्राउंड में दिल्ली में किया। तो उसमें मंडप बनाया मना टेंट लगा करके करना पड़ा था हमको, क्योंकि वो तो ओपन ग्राउंड था, उसको बाबा कहते हैं कनॉट प्लेस में थे। बाबा ने कहा कि राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते हैं राजा बनने के लिए, फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं। माया कितनी जबरदस्त है, झट फंसा देती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफिकल्ट है, धर्म स्थापन करने में डिफिकल्टी नहीं है। वहाँ कोई असुरों के विघ्न थोड़े पड़ते हैं। यहाँ बच्चे कहते हैं शादी नहीं करेंगे, तो बाप कहता है शादी तो ज़रूर करनी है, शादी बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। तो बाबा ने कहा अब जो करे, बाप समझाते हैं अब जो करेगा सो पाएगा, आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी। ये बाबा बताते हैं कि जब झाड़ बढ़ता है तो आपने देखा होगा जब कोई पौधा लगता है तो होता है वो नया पत्ता है, लेकिन जब और नए पत्ते आ जाते हैं
वो उसकी भेंट में पुराना होता, कई बार झड़ भी जाता है। तो ऐसे ही हमारे इसमें चलते चलते कई बच्चे झड़ जाते हैं, रुक जाते हैं। तो जो दिन बीता वो कल्प पहले माफिक, रात को सोते हैं ख्याल चलता है, आज सारा दिन जो पास हुआ वो ड्रामा अनुसार, फिर कल जो होना होगा सो ड्रामा अनुसार होगा। ये बाबा हमको सारे दिन की दिनचर्या में जो कुछ होता है उसको ड्रामा को देख करके चलने के लिए बाबा कहते हैं। तो हम लोग को आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, फिर से रिपीट हो रहा है, तो आश्चर्य नहीं लगेगा। दूसरी बात, रात को सोने से पहले हमारी गुलजार दादी हमेशा कहें, आज का ड्रामा पूरा हुआ। तो ज्ञान युग स्टेज है ना, तुमको मालूम है तुम पुरुषार्थ करते हो और तो सब घोर अंधियारे में है, जो कुछ पाठ चलता है वो ड्रामा अनुसार, आज यहाँ बैठे हो और कल बीमार हो जाते, वो भी कहेंगे ड्रामा अनुसार भोगना भोगनी है, कल्प कल्प ऐसा होगा, ड्रामा बुद्धि में है इसलिए कोई फिक्रात नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा कि ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है, देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बाबा की सर्विस करते हैं कि एक जगह पर खड़े हैं, हम कोई का कल्याण करते हैं, बहुतों का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। बाबा ने कहा इम्तिहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हम ये पद पाएंगे, कल्प कल्पांतर की बाजी है, फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। ये बाबा हमारी एक्टिव स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हैं कि जब स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट को पता होता है कि मैं कहाँ किस सब्जेक्ट में कमज़ोर, किस सब्जेक्ट में ठीक हूँ। तो बाबा कहते हैं कि अगर पढ़ाई में गफलत करेंगे तो रिजल्ट जब आएगी अंत में, साक्षात्कार होगा, तो उस समय फिर पछताएंगे, उस समय पछताने से तो कुछ नहीं हो सकता। बाबा नेवी का पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस कितने प्यार से कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो। फिर बाबा ने कहा कि अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसी सर्विस करें, कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहाँ हाफ पर पे पर भी जाकर सर्विस करते हैं, कोई तो फुल पे भी छोड़कर सर्विस करते हैं। ऐसे थे ना उस समय। बाबा ने कहा बाबा कहते हैं बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेजते हैं, शरीर निर्वाह तो चाहे 1000 से करे चाहे 10 रुपए से करे। ये बाबा इनकरेज करते हैं कि देखो, और करते थे विदाउट पे, बहुत हैं ऐसे जो सेवा करते थे। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए सेवा का शौक हो, अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं भी बैठा हूँ। वरदान है आज का, सर्विस का पुरुषार्थ, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव, संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो, एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज, प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है, ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं, उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। और स्लोगन है दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। हमको जब समझ मिल जाती है, पहले तो हम अलबेले होकर के जो चाहा जैसे चाहा वो किया, जब हमको समझ मिल जाती है बाबा के द्वारा दिव्यता की, तो फिर दिव्य गुणों का उपयोग करना चाहिए। तो ये थे बाबा आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है
तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।